हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज हम देखते हैं मेडिसिन के इन्फॉर्मेशन के बारे में। दोस्तों, कस्टमर के बहुत सारे कंस है कि हम जब मेडिसिन डाल दी आप एक्वेरियम में तो हमारे फिश पूरे मर गए या पूरे मछलियों को प्रॉब्लम आ गया। तो ये मेडिसिन हम डालने के बाद मछलियाँ क्यों मरते हैं, इसका रीज़न आज देखेंगे दोस्तों। तो ख़ास तौर पर पूरे टोटली एक्वेरियम वाले फिश के लिए एक्वेरियम फिश के लिए मेडिसिन बनाते हैं। एक्वेरियम शॉप वाले फिश को बचाने के लिए, फिश की केयर करने के लिए हमें बताया जाता है कि मेडिसिन डालिए। तो ये जो भी मेडिसिन है, जैसा भी हमारे एक्वेरियम में हम जैसा कि अभी डालते हैं एक्वेरियम में मेडिसिन डालने के बाद, दोस्तों हमारी मछलियाँ क्यों मरती है ये कभी किसी का सोल्यूशन नहीं हुआ। बहुत सारे कस्टमर मेरे पास भी आए कि जब भी हमें एक्वेरियम में मेडिसिन डालने के बाद में मछली मरती है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट देखें तो पता चलेगा ये। और ख़ास तौर पे मैं इस कुछ दुकानदारों से, शॉपकीपर से इस वीडियो के बारे में बता रहा हूँ कि प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें। तो हमें कस्टमर के पास में ये जो मेडिसिन डालने के बाद मछली क्यों मरती है इसका पूरा आइडिया आ जाएगा। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो देखिए, जिस टाइम में जब भी हमें तो सप्लाई वाटर यूज़ करेंगे दोस्तों, तो इसके अंदर फ़िश अगर हम डाल देंगे तो फ़िश हमारे मर जाते पूरे टोटली। अगर कोई बोर वाला वाटर यूज़ करेंगे वो भी है, तो अगर हम यूज़ करते हैं एक्वेरियम में तो हमारे पूरे टोटली है तो फ़िश मर जाते हैं। तो जो भी हमें तो मेडिसिन यूज़ करते हैं, तो कौन सा भी मेडिसिन यूज़ करो, कौन सा भी पानी यूज़ करो, बोर वाला, समरसेबल वाला, सप्लाई वाला या जार का पानी, कौन सा भी पानी हम यूज़ करेंगे, तो हमारे पास में मछलियाँ हैं तो मेडिसिन डालने के बाद में, वो पानी डालने के बाद में मर जाते। तो ये मरते क्यों हैं इसके बारे में अपन सही प्रोसेस या पूरा डिटेल देखेंगे दोस्तों। जो कि जब भी कस्टमर होता है, ये हमारा एक्वेरियम है, समझ लो फर्स्ट टाइम स्टार्टअप है या सेकंड टाइम है, तो होता ये है कि पहले तो मैं आपको ये क्लियर करा दूं कि ये हमारा पानी एक्वेरियम है। एक्वेरियम में हम पानी कौन सा यूज़ करेंगे, तो जैसा हमारा ये एक्वेरियम है दोस्तों, तो ये एक्वेरियम हमारे पास में लाने के बाद में सबसे मेन होता है कि हमें सप्लाई वाला वाटर अगर यूज़ करेंगे हम, तो हमारे पास में ये जो एक्वेरियम की क्लियरिटी दिख रही है ना, ये सेम क्लियरिटी एज इट इज़ रहेंगी। और बोर वाला पानी यूज़ करेंगे तो बोर वाले पानी में, बोर वाले उसके अंदर एक थोड़ा, चलिए तो इसी के साथ में हम स्टार्ट करते हैं कि हमें तो इसके अंदर पानी कौन सा यूज़ करना है। तो मेरे हिसाब से मैं आपको रेगुलर बता दूंगा कि जो हमारे पास में सप्लाई वाला वाटर जो होता है, कम से कम 15 दिन, 20 दिन, 10 दिन, 10 दिन से ज़्यादा, जितना ज़्यादा पुराना पानी होगा उतना वो पुराना पानी हमें तो इस एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रेश पानी है तो यूज़ ना करें, और बोर वाला पानी भी अगर इनकेस अगर सप्लाई वाटर वाला पानी नहीं है हमारे पास में, तो हम उस टाइम में बोरवेल का पानी है तो समरसेबल का पानी हमारे एक्वेरियम में यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें तो ये करना होता है दोस्तों कि पुराना पानी ले लिया एक्वेरियम के जो बाहर हमारे पास में इधर उधर कहीं पे भी रखा हुआ रहता है, तो अभी समर, जैसा कि देखिए हम रेनी सीजन का टाइम है तो पानी बहुत ठंडा होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, तो पहले स्टार्ट में हमें तो उसको लेके हमें रूम में रखना होता है। और अगले दिन है तो हमारे एक्वेरियम में हम पानी डालेंगे, और उसके बाद में हमें तो आगे का प्रोसेस देखेंगे। तो चलिए, तो सबसे पहले हम देखते हैं दोस्तों यहाँ पे कि हमारे पास में जो मेडिसिन डालने के बाद में मछलियाँ क्यों मरती है। तो मछली मरने का इसी यही कारण है कि होता ये है कि जब भी हमें कोई भी कस्टमर है कि जब हमें तो एक्वेरियम का पानी चेंज करना होता है, पानी बदलना होता है, उसी टाइम में हम शॉपकीपर्स के पास चले जाते हैं, एक दो तीन दवाई के बारे में बोल देते हैं कि एक ब्लू कलर का मेडिसिन दे दो, एक वाइट कलर का मेडिसिन दे दो, इस टाइप से बोला जाता है। पर ऐसा नहीं है कि ब्लू कलर का क्यों है, वाइट कलर का क्यों है, पहले तो थोड़ा सा हमें वहाँ से इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए कि भाई हम ब्लू कलर का जो मेडिसिन ले रहे या वाइट कलर का मेडिसिन लेते, दोनों भी मेडिसिन लेते हैं तो ये हमारे जो मेडिसिन है किस पानी में यूज़ करने वाले, तो कम से कम हमें उस शॉपकीपर्स को पूछ लेना चाहिए। तो चलिए हम पहले स्टार्ट देखेंगे सप्लाई वाटर वाला, जो हमारे पास नल को जो पानी आता है तो वो पानी का देखेंगे कि ये हमने नल का पानी का जो है डॉक्टर एक्वा फाइन एंटी क्लोरीन ये वाला हमें मेडिसिन यूज़ करना होता है। और दोस्तों मैं बताता हूँ आपको कि जैसा कि हमारा एक्वेरियम है कि ये मेडिसिन लिया हमने घर पे, पानी इसके अंदर डाल दिया और मेडिसिन डाल दिया, मछलियाँ डाल दी तो मछली मर जाती है। तो वो इसलिए मरती है कि जैसा कि हमारे पास में एक्वेरियम में पहले ऑलरेडी जो पानी है उस पानी का टेम्परेचर ऐसा होता है कि इनके कस्टमर ऐसे भी आते हैं कि मैंने तो हीटर लगा लिया इसमें, लेकिन बाद में देखे तो हमने मेडिसिन डाल दिया, पानी चेंज किया तो मछली मर गई। मेडिसिन, अरे भाई हीटर लगा लिया तो हीटर क्यों लगाया है कि इसका टेम्परेचर है तो 30 डिग्री तक जो फिश को चाहिए वो होना चाहिए।
लेकिन उसके अंदर अब जो रेनी सीजन है तो यहाँ पे पानी देखेंगे हम कि बहुत सारा ठंडा होता है, टेम्परेचर होता है, जैसा कि मान लो अभी का जो रेनी सीजन का टेम्परेचर होता है 24-25 चलता है, और हमारा जब हीटर लगता है तो हीटर वाला जो टेम्परेचर होता है 28 से 32 तक जाता है। तो जब ये हम इस टाइप का पानी हम यूज़ करेंगे, जैसा कि पहला वाला पानी था 30 का या 32 का, बाद में जो हमने पानी लाया है जो एक्वेरियम में डालने के लिए, वो पानी रहेगा हमारा 24 का। जब ये पानी गर्म है, उस दूसरा पानी ठंडा है, ये मछली हम निकाल के हम साइड में हटा देंगे, पानी नया ठंडा डाल देंगे, गर्म मछली गर्म टैंक की मछली को हम ठंडा पानी डालेंगे, तो वो मछली इसमें डालने के बाद में हम क्या करते हैं, मेडिसिन डालते हैं, जो शॉपकीपर से ला लिया मेडिसिन, जैसा कि ये मेडिसिन है क्लोरीन का, दूसरा मेडिसिन है समझ लो यहाँ पे हमारा ये फंगस का मेडिसिन है या वाइट स्पॉट का कोई मेडिसिन है, जो भी दो तीन मेडिसिन है बस ले लिए अंदर डाल दिए। पहले तो उसके अंदर देखना ये होता है कि कितना डालना है, चलो ये कितना भी डालना है एक्यूरेट, चलो हमने मान ली कि समझ लो 5 ml डालना है तो 5 ml ही डाला, पर यहाँ पे हमने पहले सबसे पहले तो यहाँ एक गलती की है। गलती क्या की है कि यहाँ पे का यहाँ का जो टेम्परेचर है पानी का ज़्यादा है, हमने कम टेम्परेचर वाला पानी डाल दिया। अरे भाई इंसान भी अगर है तो जब हम गर्मी में रहते हैं डायरेक्ट से अगर ठंडे पानी से उसके अंदर से हम अगर वो आते हैं या ज़्यादा भीग जाते हैं तो उसको भी प्रॉब्लम आती है, उसकी भी तबीयत खराब हो जाती है। ये छोटी सी जान है, तो यहाँ पे गर्म पानी की मछली को हम ठंडे पानी में डालने के बाद में ये मेडिसिन डालो या ना डालो तो ऑलरेडी मरने वाली है। तो इसलिए हमें तो कस्टमर जो भी डाल दिया मेडिसिन तो कस्टमर वहाँ पे जाके शॉपकीपर्स को बोला जाता कि भाई शॉपकीपर्स क्या कर सकता है, शॉपकीपर्स का कोई गलती नहीं है, गलती हमारे ये पानी का है, ये मेडिसिन का भी गलती नहीं। मेडिसिन हमें मछलियों को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है, ना कि मछलियों को मारने के लिए। लेकिन हमारी गलती कहाँ होती है, गर्म पानी की मछली को ठंडे पानी में डाल दी। तो उसके लिए दोस्तों यहाँ पे सॉल्यूशन एक ही है, मैं आपको एकदम शॉर्टकट बता दूँ कि जब भी हमें है तो इस एक्वेरियम का पानी अगर हमारे पास में हीटर लगा हुआ होता है तो उस टाइम में अगर हमें पानी को अगर चेंज करना होगा तो हीटर को कम से कम 24 घंटे पहले एक दिन पहले हमें बंद करना होगा, और बंद करने के बाद में हम हीटर को बंद करेंगे वो जो पानी हमारा बाहर का जो भी हम यूज़ करने वाले 8-10 दिन पुराना पानी होता है उसको लाके हम रूम में रखेंगे, और रूम में रखने के बाद में अगले दिन जो रूम में फिश टैंक है उस रूम में रखने के बाद अगले दिन हमें तो इसका पानी चेंज करना होता है। अगर हम समरसेबल वाला जो पानी यूज़ कर रहे तो उस टाइम में समरसेबल वाले पानी के लिए हमें सिर्फ ये जो एंटी क्लोरीन होता है क्लोरीन रिमूवर होता है इसकी ज़रूरत नहीं होती, ये हम नहीं डालेंगे उस टाइम में दोस्तों। तो इसके लिए हमें जो रेगुलर होता है देखिए ब्लू वाला यहाँ पे बैक्टीरियल जो इन्फेक्शन का एंटी फंगस का जो मेडिसिन है ये वाला हम यूज़ करेंगे उसके अंदर। ये मेडिसिन यूज़ क्यों करना है कि आगे चल के हमारे फिश को कोई डिसेस ना हो। उसके बाद में यहाँ पे बैक्टीरियल के जो भी एक स्पेशली मेडिसिन मेरे पास में आया है ये वाला, ये भी हम यूज़ करेंगे। तो दोस्तों हम मेडिसिन के बारे में तो और भी देखेंगे, मैं मेडिसिन का है ना लास्ट में कुछ फ़ोटो और उसके इन्फॉर्मेशन डालता हूँ, मेडिसिन कौन सा मेडिसिन किस काम में आएगा और कब कौन सा मेडिसिन यूज़ करना है। तो ये हमारा सबसे मेन प्रॉब्लम है। थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि इस वीडियो में थोड़ा सा आपको ये तो पता चल चुका होगा कि जब भी हम मेडिसिन डालते हैं मेडिसिन कौन सा भी डालो मेडिसिन का हमारा गलती नहीं होता है, गलती होता है हमारे टेम्परेचर का। अगर हीटर लगा हुआ होता है या नहीं भी लगा हुआ होता है तो हमारे एक्वेरियम का पानी ठंडा होता है, बाहर से गर्म पानी डाल दिया या गर्म होता है ठंडा पानी डाल दिया तो यहाँ पे हम डालेंगे तो हमारी मछली 100% मरेंगी ही मरेंगी। तो इस टाइम में जब भी हम एक्वेरियम में पानी चेंज करें तो मैंने जिस टाइप से बताया उस टाइप से अगर हम पानी को सिर्फ वो मछली मरने का जो रीज़न है जो मेन पानी चेंज करने के बाद मेडिसिन डालने के बाद में ये होता है। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ठीक है, वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो रहा है तो मैं अगले वीडियो में आपको इसके और भी डिटेल इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। थैंक्स, इस वीडियो के अंदर मैं लास्ट में अभी आपको मेडिसिन के कुछ सैंपल दे रहा हूँ और कि कौन सा मेडिसिन किस काम में आएगा वो भी बता रहा हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो के पूरे टोटल मेडिसिन के सैंपल को देखिए, कौन सा मेडिसिन कब यूज़ होगा किस काम में आएगा वो भी मैं उसके ऊपर लिख रहा हूँ, वो देखकर हमें तो मेडिसिन यूज़ करेंगे तो हमारी मछलियाँ टोटली स्ट्रॉन्ग रहेंगी बेस्ट रहेंगी। तो इस थोड़ा रेनी सीज़न में थोड़ा सा मछलियों को थोड़ा केयरफुली थोड़ा यूज़ करिए, एक्वेरियम को थोड़ा केयर कीजिए और मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स दोस्तों।